डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जेबीएसयू स्टडी पॉइंट में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब कभी भी कोई भी काम पूरा होने की गारंटी नहीं रहती है तो वहाँ पर हम संभावना देखते हैं। जैसे भारत आज मैच जीतेगा, इसकी संभावना 70% है। या फिर मौसम, बारिश होने की संभावना आज 20% है, 10% है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सवाल जब लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में यादृच्छा शब्द यूज किया जाता है, तो उसको हम बात करते हैं। यादृच्छा मतलब होता है अचानक। अचानक से मतलब तात्पर्य कि बिना सोचे समझे। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, घटना, घटना ये इवेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इवेंट। प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी भाग, जैसे कि यदि हम एक सिक्के का प्रतिदर्श समष्टि बनाए, सिक्के का प्रतिदर्श समष्टि, तो सिक्के में होता है हेड और टेल, हेड और टेल। तो एक क्वेश्चन में पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, तो यानी कि मेरा घटना क्या हो गया, हेड आने की प्रायिकता। अब हम बात करते हैं समसंभाविक घटना के बारे में। समसंभाविक घटना क्या होता है, दो या दो से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक की घटित होने की प्रायिकता समान हो। जैसे जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रायिकता 50-50 होता है, यानी कि 50-50% होता है। या फिर प्रायिकता हम बात करें, 1/2 हेड आने की प्रायिकता होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। या फिर जब हम किसी पासे को उछालते हैं तो पासे में एक आने की प्रायिकता, दो आने की प्रायिकता, तीन आने की प्रायिकता, 4, 5, 6 सबकी प्रायिकताएँ समान होती है। तो इस घटना को हम कहते हैं समसंभावी घटनाएँ। अब हम बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है, किसी भी प्रश्न के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला यह होता है कि घटनाएं घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल संभव परिस्थिति। इस सूत्र में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति क्या होता है और संभव परिस्थिति क्या होता है। तो अब इसको सूत्र को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अनुकूल परिस्थिति मतलब कि मुझसे जो पूछ रहा है वो क्या है, ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे अनुकूल परिस्थिति में। और कुल संभव परिस्थिति यानी कि जितने भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है उसको हम कुल संभव परिस्थिति बोलते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 काली गेंदे हैं। एक लाल गेंद यादृच्छा निकाल ली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ऐसे ही आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। लाल गेंद कितनी है मेरे पास, लाल गेंद है मेरे पास 5 और काली गेंद कितनी है, काली गेंद भी मेरे पास 3 है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, कुल गेंद कितना होगा मेरे पास, 5 + 3 = 8। तो मुझसे पूछ रहा है लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो मैंने बताया था कि जो सूत्र कैसे यूज करते हैं, जो मुझसे पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। मुझसे पूछ क्या रहा है, लाल गेंद के बारे में, लाल गेंद मेरे पास कितना है 5, इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 5। और मैं बोला था कि नीचे क्या रहेगा, टोटल, टोटल यानी कि जो टोटल कितना प्रश्न में 5 और 3 यानी कि 5 + 3 कितना हम यहाँ पर लाए हैं 8, ये हो जाएगा मेरा 5/8, लाल गेंद आने की प्रायिकता 5/8। अच्छा, अगर हमसे पूछ दे कि लाल गेंद न आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल गेंद न आने की प्रायिकता को हम इसको एक में से घटा देंगे, लाल गेंद न आने की प्रायिकता
इसको एक में से हम घटा देंगे, वन माइनस ये हो जाएगा 3/8। लाल गेंदानी की प्रायिकता इसका मतलब क्या हुआ, इसको दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि काली गेंदानी की प्रायिकता, काली गेंदानी की प्रायिकता हम अगर निकालेंगे वैसे तो 3/8 ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी इसको नोट में रखना कि प्रॉबिलिटी कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बताइए कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ पर दिया रहता है क्वेश्चन में, 1 दिया रहता है, 0.2 दिया रहता है, फिर 0.3 कर दिया रहता है और इस तरह का दिया रहता है। तो कहता है कि बताइए कि इसमें प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी 2, ये क्या है कि एक से बड़ा है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, 52 तास की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो, पान का पत्ता हो, काला पत्ता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में जानना पड़ेगा, ताश के पत्ते किस तरह होते हैं। तो थोड़ा सा हम ताश के पत्ते के बारे में बता देते हैं, बहुत से बच्चे ताश के पत्ते के बारे में नहीं जानते हैं, तो ताश के पत्ते कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, और इस ताश की गड्डी में 26 होते हैं मेरे पास लाल, और 26 होते हैं काले पत्ते। अब इस 26 में होता है यच, मैं शॉर्टकट इसका बनाया हूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, HDSC। यच का मतलब होता है हार्ट, डी का मतलब होता है डायमंड, यस मतलब स्पेड, सी मतलब होता है क्लब। इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ, हार्ट मतलब होता है पान का पत्ता, डायमंड होता है चीड़ी, सॉरी चीड़ी नहीं, यहाँ पर होगा ईंट, ईंट का पत्ता। स्पेड, स्पेड का मतलब होता है, स्पेड का मतलब होता है हुकुम, क्लब मतलब चीड़ी। अब इस ये जो चार है, ये चार प्रत्येक 12 में डिवाइड होगा, 12 पत्तों में, 1 से लेकर 10 तक हम गिनती पहले लिख देते हैं, इसको इक्का बोला जाता है यानी कि एस, फिर ये ऐसे ही दहला बोलते हैं। अब आता है जैक, जैक मतलब होता है गुलाम, यहाँ क्वीन और ये किंग, रानी और बादशाह। ऐसे ईट में भी यही सेम चीज आएगा, हुकुम में भी और चिड़ी में भी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पान के पत्ते की प्रायिकता बताइए या फिर पान के गुलाम होने की प्रायिकता क्या होती है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आगे की भी याद रखने के लिए। तो प्रश्न में मुझसे पूछ रहा है इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इक्का होने की प्रायिकता ताश के गड्ढे में कितने इक्के होते हैं अभी मैंने बताया, देखो एक इक्का इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो मेरे पास कुल कितने इक्के हुए, 4, यानी कि इक्का कुल कितना है मेरे पास, 4 है, और टोटल कितना ताश की गड्डी है, 52, टोटल ताशों की संख्या 52 है मेरे पास, ताश के पत्ते मेरे पास 52 है, और इक्का की प्रायिकता क्या होगा, तब प्रायिकता क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है
जो पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा और टोटल कितना है वो नीचे रहेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि पान का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में पान के पत्ता, ताश के गड्डी में पान का पत्ता कितना होता है, पान का पत्ता देख लेते हैं। ताश की गड्डी है, पान का पत्ता में कुल कितने पत्ते आते हैं, 12, और ये 13 हो गया, 13 आते हैं, 13 इसमें आते हैं, 13 इसमें आते हैं, 13 इसमें और 13 इसमें। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है पान के पत्ते आने की प्रायिकता, तो अब हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। पान का पत्ता कितना है, तेरह, और टोटल कितना है ताश, 52। ठीक है, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अभी मैंने बताया कि जो मुझसे पूछ रहा है वो रहेगा ऊपर और टोटल कितना है वो नीचे। मुझसे पूछ रहा है पान का पत्ता, पान का पत्ता कितना है, 13, ताश की गड्डी कुल कितनी है, 52, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तीसरे क्वेश्चन में काला पत्ता, काला पत्ता कितना है, काला पत्ता यहाँ देख लीजिए, काला पत्ता है मेरे पास 26, तो काला पत्ता मिल गया, काला पत्ता 26 है, और ताश की गड्डी अभी बताए हैं, जानते हैं आप लोग कितना होता है, 26, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी जो मुझसे पूछ रहा है वो ऊपर हो गया और टोटल कितना है वो नीचे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आज दो क्वेश्चन हमने किया और आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।